हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे पालक और मटर की एक यूनिक रेसिपी। मैं ये रेसिपी को कैसे बनाऊंगा ये जानने के लिए आप वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पालक, इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें से सारा पानी को छान के निकाल लिया है। अभी हम एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए पानी गर्म हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी और चीनी को डालने के बाद अभी हम इसमें सारा पालक को डाल देंगे और इसको ऐसे ही पानी में थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसको छोड़ के करते हैं हमारा नेक्स्ट काम। ये देखिए, ये है दो प्याज, इसको हमने छोटा छोटा करके काट लिया है। ये है थोड़ा सा अदरक और लहसुन और इसमें अभी हम डालेंगे एक मिर्ची, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए हमारा पालक भी अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसमें से सारा पानी को छान के अभी हम दूसरे बर्तन में एकदम ठंडा पानी में इसको डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे। ये देखिए हमने प्याज और अदरक लहसुन को अच्छी तरह से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अभी हम हमारा जो पालक है इसको भी हम पानी से छान के अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अभी हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और तेल गर्म हो जाने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गोटा जीरा, ऊपर से डालेंगे दो सूखा मिर्ची और उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा हींग। ये हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद अभी हम प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। आप चाहे तो प्याज को बिना पीसे काट के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको पीस लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, एक आधा चम्मच बेसन। बेसन को डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बेसन को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे हरा मटर, इसको हमने पहले से ही छील के रखा था, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इन सारे चीज़ों को डालने के बाद इसको हम इसमें मिला के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी हम इसका ऊपर जो हमारा पालक का पेस्ट था उसको डाल देंगे और इसमें इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही खुला पकाएंगे, इसको बिल्कुल भी ढकना नहीं है। और जो हमारा मटर चना है ये भी अच्छी तरह से अभी हुआ नहीं है, ये जैसे जैसे पकता जाएगा हमारा मटर चना भी हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच दही। इसमें दही को डालने से जो पालक में कड़वापन रहता है इसको ये बैलेंस करता है। और दही को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम हल्का ही डालना है। और थोड़ी देर पकने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अब अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, इसको डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पालक और मटर का रेसिपी बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा मटर और पालक का सब्जी बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें लगाएंगे तड़का, और तड़का लगाने के लिए हमने लिया थोड़ा सा गाय का घी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, दो टुकड़ा सूखी मिर्ची और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची पाउडर। और इसको लेके अभी हम जो हमारा सब्जी है उसका ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। दोस्तों आज का ये मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।